नमस्कार। आज 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 को रांची से कुछ दूर उलिहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा ने 22 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वह आदिवासी जनजाति से थे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उन्हीं के गांव उलिहातू के दो रूप, जहां एक तरफ राष्ट्रपति और नेताओं के आगमन के लिए कितना सजा धजा कर रखा गया है, दूसरी तरफ उनके गांव की असली तस्वीर दिखाई देती है। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उलिहातू आ रही हैं। बिरसा के स्मारक स्थल को खूब सजाया जा रहा है। यही एक दूसरी तस्वीर भी है। इस स्मारक के ठीक बगल में इस एस्बेस्टस शीट से बने कच्चे मकान में बिरसा मुंडा के वंशज रहते हैं। समारोह का चटक रंग पास ही यहाँ फीका हो जाता है। सरकार ने इस परिवार के लिए एक पानी की टंकी और नल की व्यवस्था की थी, पर सालों से नल ही नहीं सूखा है। बिरसा के वंशज की वो उम्मीद भी सूख गई है जो इन्होंने अपने गांव और समाज के लिए आंखों में बसाई थी। हमारी मूल समस्या है गांव का, किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, हल नहीं पा रहा, हल नहीं हो रहा है, वही कुछ गंभीर का बात है। समस्या क्या समस्या है? है यहाँ पानी का, सबसे ज्यादा पानी का और शिक्षा का। शिक्षा के लिए स्कूल तो बहुत है, लेकिन यहाँ शिक्षक की कमी है। जो हाई स्कूल चल रहा है या सरकारी आवासीय विद्यालय, उसमें खाली घंटी वाला टीचर है, उसमें अस्थाई टीचर का नियुक्ति होना चाहिए और अच्छी तरह से शिक्षा बच्चों को मिले। हालत यह है कि समारोह के बाद बचे पुराने बेकार बैनरों से बरामदे को एक कमरे की शक्ल देने की कोशिश की गई। अपने पास की जमीन स्मारक के लिए सरकार को दान कर दी। सरकार ने मकान के लिए जमीन दी भी तो इस जिले से बाहर। पैसा है नहीं, आशियाना बने तो कैसे। परिवार में मूल दिक्कत यह है कि जो हमारा जन्म असली हमारा पैतृक जमीन है, वो तो बुझाता है कि सरकार ने ले लिया, और बगल में जो जमीन है गांव के सामने वो भी सरकार ने ले लिया। वहाँ खेल मैदान स्टेडियम बन गया, उसके अलावा दूर पर जमीन है, इसी को लेकर के हमने प्रशासन से मांग की जमीन जिला के अंदर ही दिया जाए, लेकिन जिला से बाहर हमको अभी दिया गया है, उसमें अभी तक मकान नहीं बना है, खर्चा के अभाव में नहीं बना पा रहे हैं। बिरसा मुंडा को आदिवासी भगवान मानते हैं। झारखंड के सियासतदान भी बिरसा मुंडा के नाम से खूब सियासी गोटियां खेलते हैं। कई योजनाएं उनके नाम पर हैं, लेकिन सियासतदानों के दिल में बिरसा मुंडा के लिए श्रद्धा कितनी सच्ची है, इसका अंदाजा उनके वंशजों की हालत देखकर ही लग जाती है। आप देख रहे हैं कि आजादी के 75 साल बाद और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 100 सालों बाद भी इस गांव की क्या तस्वीर है। सरकार योजनाएं लाती है, शौचालय का निर्माण होता है, पर क्या वो शौचालय यूज करने लायक होते हैं? देखिए, आप एक ऐसा ही शौचालय जो बना तो है, लेकिन कोई उसमें जा सकता है कि नहीं, बनना ही नहीं उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन इसको सुनिश्चित करेगा कि वह सुचारू रूप से चल सके? देखिए, आपके सामने एक ऐसा ही शौचालय जो बंद तो गया, लेकिन कुछ सामान रखने, मुर्गियों के बैठने उठने के अलावा और किसी काम का नहीं है। ये अंदर कुछ सामान ही रखे हुए हैं। कैसी हालत है इसकी? पास ही में सटे हुए मकान को देखिए, क्या हालत है इसकी? देश में
संसदीय चुनाव से लेकर ग्राम प्रधानी तक के चुनाव होते हैं, पर क्या सब लोग अपने जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं सब लोग अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? देश के इस महान सपूत के गांव का ये हाल है तो देश के अन्य गांवों का हाल आप खुद ही समझ सकते हैं।